विशाख महामहत्तम अध्याय 2। हरे कृष्णा, राधे राधे। पुराणों में वर्णित है कि विशाख महा में पूजा अर्चना और स्नान आदि करने से श्री हरि नारायण को बड़ी ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये विशाख महत्तम सुन पा रहे हो। इतनी कृपा अभी है, इस कृपा को और बढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करो। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए विशाख महत्तम का दूसरा अध्याय सुनेंगे। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जग वंदन तुम रे करे काटो सब कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु के भ्रम का काल, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सब भ्रम चाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। विशाख महा महत्तम के पहले अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ विशाख महत्तम सुना रहे हैं। सूत जी ने प्रथम अध्याय में उन्हें विशाख मास का महत्व और स्नान नियम बताए। अब आज इस दूसरे अध्याय में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा विशाख स्नान के नियम सुनेंगे। शुरू करते हैं। नारद जी के श्री मुख से विशाख मास की शेषता और उसमें जल छत्र और पादुका अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वो हाथ जोड़ते हुए नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? विशाख मास में किस किस वस्तु का दान, कौन कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए, कृपया ये सब मुझे कहें। नारद मुनि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीजों की व्याख्या करता हूँ, क्योंकि शुभ कर्म बढ़ाने का सबसे आसान उपाय है सुपात्र को दान करना। वैशाख मास में जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, उस पलंग पर उसे सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है तो उस प्राणी का शरीर हमेशा निरोगी रहता है। नारद जी बोले, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मण को शम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट नहीं पाता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के उसके जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में तकिए का दान करता है वो 7 जन्मों तक सुख भोगता है, फिर अपने 7 कुलों को लेके मोक्ष को जाता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वो उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, जो मनुष्य वैशाख मास में शय्या दान करे वो इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है, उसके कुल की वृद्धि होती है, उसे कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु निरोग्यता यश और धैर्य मिलता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल है। जो तिनके की बनी या खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वो उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है और वो निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है वो अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को जो पतले वस्त्र दान करता है वो पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है।
कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, इसलिए कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुखों का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और रोली यानी कुमकुम देता है वो लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को पाता है। जो खस कुशा और जल से सुगंध युक्त चंदन देता है वो सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुखों की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचरण और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोरोचरण होता है पीले रंग का एक सुगंधित रसायन जो गाय के पित्त से निकलता है, और कस्तूरी होते हैं वो नर हिरण की नाभि के पास की थैली में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वो लोक का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा पोखर कुआं और मंडप बनवाता है वो धर्मात्मा होता है, उसे पुत्रों की क्या ही आवश्यकता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, ये सात प्रकार की संतान देवताओं ने कही है, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को ये कर्म अवश्य ही करने चाहिए। जो वैशाख मास में ताप नाशक छाछ दान करता है, क्योंकि छाछ से गर्मी दूर होती है, वो इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा दान करना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की ताप धूप कम करने के लिए दही और खांड का दान करता है, साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास में जो चावल देता है वो पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए गौ का घी दान करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जो दिन के तप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को ईक यानी गन्ना देता है उसको अक्षय पुण्य मिलता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों का निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी कपूर बेला और खस आदि से बना शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वो 96 श्राद्ध करने जितना पुण्य माता है। इतना कह के नारद मुनि कुछ क्षण के लिए रुके और पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख स्नान की विधि बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही से घी उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख अधिक उत्तम है। इसमें किए हुए शुभ कर्म बरगद की डालियों की तरह दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महिरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं में असक्त था, वो केवल वैशाख स्नान के सुयोग से बैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार बोलना चाहिए, मधुसूदन देवेश वैशाखे मिषे ग्रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नम कुरु माधव। अतः हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगी, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ देना चाहिए, वैशाखे निषेगे भानो प्रातः स्नान परायणम अर्ध तेहम तद्दस्यामी ग्रहण मधुसूदन। भगवान सूर्य के मेष राशि पे स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संगलन होकर मैं आपको अर्ध देती हूँ। हे भगवान मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, सभी तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए इस अर्ध को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए।
इस प्रकार अर्ध समर्पण करके स्नान करें, फिर वस्त्रों को पहन के संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास के महात्म की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वो भगवान विष्णु की सयुज्य मुक्ति को पाते हैं। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध भोजन खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो मनुष्य वैशाख में उत्तम कथा नहीं सुनते, ना किसी तीर्थ में जाके स्नान करते, ना दान देते, वो नरक में जाते हैं और चंडाल योनि को प्राप्त होते हैं। फिर उन्हें कुत्ते की योनि 100 वर्षों तक प्राप्त होती है, फिर गधे या खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होते हैं। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि पत्ते में भोजन करते हैं तो वो सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाते हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी में स्नान करते हैं वो तीनों जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख स्नान करते हैं वो 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाते हैं। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उषा काल में स्नान करते हैं वो करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से मुक्त हो जाते हैं। जाह्नवी गंगा, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं, कालंदी यमुना जी को, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। मतलब ये 7 नदियां गंगा जितनी पुण्यवान हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करते हैं उनके महापातकों का भी नाश हो जाता है। कंद, फूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, इनमें से जो भी चीजें वैशाख में दी जाती हैं वो सब अक्षय होती हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। दान ना करने से दरिद्रता आती है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वैशाख मास में जरूर दान करना चाहिए। जो कोई धन संपन्न ना हो, दरिद्री हो या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए उसे वो ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। जैसे कोई बड़ा मकान अच्छा सुंदर और सब सामग्रियों से सजा हो मगर सोचो उस पर छत ही ना हो तो वो मकान शोभा नहीं पाता। जैसे दया ना होने पे सब गुण बेकार हो जाते हैं। जैसे बढ़िया भोजन भी बिना नमक के स्वाद नहीं लगता। जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करते उनका किया सब कार्य व्यर्थ होता है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल मनुष्य को कई गुना अधिक होकर मिलता है और उसका तुरंत ही फल मिलता है। भगवान मधुसूदन इस मास के देव हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया वो मूढ़ बुद्धि सूकर यानी सुअर की योनि पाता है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 2 संपूर्ण। कल अध्याय 3 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें मानव जीवन मिला है उस पर भगवान की कृपा भी मिली है, है ना? कृपा मिली है तभी तो हम भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं। तो इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी ही पालो। याद रखो जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब हमें अगली घड़ी का ही कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अपने सभी कर्म बंधनों से अभी मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे आसान उपाय है नाम जाप करना। शास्त्रों में कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके हमें भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब मिल सकता है, है ना? इसे प्रेम से, मन से, भाव से, हर पल हर सांस के साथ जाप करते रहो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।